दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सारा का मुद्दा अक्सर विधानसभा में और सांसद में उठता चला है। ऐसा ही मुद्दा दोस्तों कल और परसों देखने को मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक बड़ी यहाँ पर सांसद में प्रश्नकाल के दौरान एक बहस चली और विपक्ष द्वारा सारा के मुद्दे को उठाया गया और वित्त मंत्री ने उस मुद्दे पर जो अपने बयान दिए तो दोस्तों वे बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 2011 और 12 से ये सहारा इंडिया का मुद्दा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिया गया था कि सहारा इंडिया को सभी निवेशकों का पैसा 15% ब्याज सहित वापस कर दिया जाए। या दोस्तों, ये मामला हाउसिंग बॉन्ड और रियल इस्टेट की दो इकाइयों का था जो क्यू शॉप जैसी इकाइयां खोलकर उनमें कन्वर्ट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर अवमानना की गई क्योंकि सारा सुब्रत राय के अपने खुद के कानून होते थे और निवेशकों का पैसा वो अपनी जागीर समझकर एक इकाई से दूसरी इकाई में डाल दिया गया, निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया और दोस्तों वो स्वर्ग सिधार गए। लेकिन अभी तक ये मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा है। और दोस्तों, विधानसभा में जो यहाँ पर विपक्ष द्वारा प्रश्नकाल में एक आवाज़ उठाई गई सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए, तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। केवल यहाँ पर मुद्दा ही उछलता है, निवेशकों के लिए केवल हवा हवाई वादे और इरादे होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा एक सहारा इंडिया पर उन्होंने विपक्ष को चुप करते हुए कहा कि हम सहारा के निवेशकों का पैसा दे रहे हैं, निवेशक अपने कागज लाएं और पैसा ले जाएं, हम हाथ जोड़कर पैसा देने को खड़े हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री को ये पता होना चाहिए कि सहारा इंडिया में जो कन्वर्ट किया गया उस कन्वर्ट करने के चक्कर में निवेशकों के पेपर बॉन्ड्स बदल दिए गए। और दोस्तों, निवेशक अपने पेपर कहाँ से लेकर आए जब निवेशकों के सारे पेपर जो हाउसिंग बॉन्ड रियल इस्टेट के पेपर थे वो क्यू शॉप में बदल दिए गए और क्यू शॉप के जो पेपर थे वो सहारा की सोसाइटियों में बदल दिए गए। तो अब निवेशक अपने हाथ कटाए बैठा है, वो मूल दस्तावेज कहाँ से लेकर आए। सीतारमण सब कुछ जानती है लेकिन निवेशकों के हितों में एक यहाँ पर गुमराह करने वाला बयान जो दिया है वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि दोस्तों, जबकि हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त सारा रिफंड पोर्टल खोला गया है उसमें निवेशकों का वहाँ पर जो बायोडेटा है वो वहाँ पर पूरा मैच नहीं हो पा रहा, 99% निवेशकों के बॉन्ड वहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए थे, ये अपडेट सारा इंडिया की रमेश मिश्रा द्वारा 15 मिनट पहले हमारे पास आई है। आइए देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। सहारा इंडिया के प्रबंधक व एजेंटों की मिलीभगत से सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा हाउसिंग और रियल इस्टेट में राशि जमा करने वाले निवेशकों की सूची सेबी को देने और 15% ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिया था। इस आदेश का पालन सहारा ने नहीं किया, निवेशकों की जमा राशि को न लौटाकर री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में निवेश कर दिया। निवेशक से सारा हाउसिंग और रियल इस्टेट में राशि जमा करने के मूल दस्तावेज लेकर उन्हें सेबी के पास जाने से रोक दिया गया। या दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दस्तावेज बदल दिए गए, अब निवेशकों के हाथ कटे हुए थे, वो सेबी विभाग पर अपना दस्तावेज कैसे जमा करते, जबकि सेबी विभाग ने तमाम प्रचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से निवेशकों तक उनको कहा था कि आप अपना पैसा सेबी विभाग पर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर कर वापस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर क्या हुआ कि 24 हज़ार करोड़ रुपए में से जो वहाँ पर निवेशकों के जो इक्का दुक्का बॉन्ड गए उनमें केवल 135 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक लौटाया गया सेबी के पास। जैसे कि आप जानते हैं कि सारा सुब्रत राय द्वारा केवल 15 हज़ार करोड़ रुपये ही जमा किए गए थे, 24 या 25 हज़ार करोड़ रुपया जमा नहीं कराया गया था। तो दोस्तों, वो पैसा जब जमा कराया गया था जब से लेकर और अब तक उसका ब्याज जोड़ा जाए तो दोस्तों 25 हज़ार करोड़ रुपया बन जाता है। उसी को लेकर दोस्तों हम आंकड़े बनाते हैं और 25 हज़ार करोड़ रुपया वो सेबी के काल ग्राफ में फंसा हुआ है। जब जमाकर्ता के मूल दस्तावेज सारे के पास है तो
तो जमाकर्ता अपना भुगतान लेने और सेबी के पास कैसे जाए? यह विचारणीय इसलिए क्योंकि एक आम ये मामला है जो वित्त मंत्री को पता होना चाहिए कि आखिर सहारा इंडिया के अंदर क्या मामला चल रहा है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सेबी हो, ईडी हो, कोई सी भी जांच एजेंसी हो, वो सब केवल सरकार के इशारों पर ही ये काम करती है। तो दोस्तों, कटप्पा वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जितने भी सरकारी विभाग है अपने आकाओं के द्वारा यहाँ पर या दोस्तों कार्य करते हैं, उनके बताए हुए जितना उन्होंने बताया उतना ही वो कार्य करते हैं। सेबी और अन्य जांच एजेंसियों की अथॉरिटी बढ़ाकर सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धराशायी किया और करोड़ों अरबों रुपया संचय खजाने में जमा कर दिया और अपने रसूख में यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों, सारा इंडिया की ये वो गाथा है जो 12 साल से लगभग चल रही है, और सांसद हो या विधानसभा हो, केवल मुद्दा ही उछलता है, उसमें कोई कारगर वहाँ पर उपाय नहीं किए जाते। विपक्ष को दबाने के लिए बहस चलती है और वो बहस केवल वहीं तक रह जाती है, कागजों तक ही सारे मामले सीमित हैं। धरातल पर निवेशक को एक फूटी कौड़ी नहीं मिल पा रही है, और यही वजह है जो निवेशकों ने अपने संगठन बनाए हुए हैं और संगठन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार ये कहकर रोक देती है कि ये मामला हम निवेशकों को पोर्टल के माध्यम से पैसा लौटा रहे हैं और सेबी भी अपने पैसे लौटाने में हमारी सहायता कर रही है। तो दोस्तों, इन लोगों के धरने प्रदर्शन यहीं पर स्थगित होने के पूरे वो बन जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो देख रही है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और सरकार उसको गुमराह करने पर लगी हुई है। तो दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा है। जब तक एकजुट होकर सभी निवेशक अपने पैसे की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक दोस्तों निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा। जंतर मंतर पर फिलहाल जन आंदोलन जारी है, और ये जन आंदोलन दोस्तों सहारा के उन पीड़ित निवेशक और एजेंटों द्वारा चलाया जा रहा है जो विगत 10-12 सालों से सहारा के चक्कर में अपनी जीवन भर की कमाई गंवाए बैठे हैं। आज सरकार या कोई भी नेतागण उन निवेशकों का साथ नहीं देता, केवल अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पर जो इक्का दुक्का कुछ प्रोसीजर चलाए जाते हैं, केवल वो हवा हवाई होते हैं, उनमें कोई मामला जो है पैसा मिलने का नहीं होता। यही वजह है जो संगठनों का इस वक्त दौर चल रहा है, और संगठन जंतर मंतर पर अक्सर धरना देते हुए मिलते हैं। ये बहुराष्ट्रीय जो सहारा इंडिया हो या PSEL हो या कल्पत्रु हो या बाइक बोर्ड हो या KBCL हो, ये वो कंपनियां हैं जो 40 साल से अपने रजिस्ट्रेशन पर रेगुलर काम कर रही थी और करोड़ों अरबों रुपया निवेशकों का जमा कर कर उनको 5 सवा 5 साल में डबल कर कर लौटाती रही, गरीबों का उत्थान कर रही थी। और यहाँ पर सरकार ने इस सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को एक बार में ही हलाल कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि सेबी हो या SFI हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, उनकी अथॉरिटी इतनी बढ़ा दी गई कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों को जेल में ठूंस दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया, बैंक बैलेंस को इस तरीके से लूट लिया गया जैसे कोई 10 भी लुटेरे हों। तो दोस्तों, ये थी सारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए आचार्य US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साइन और दोस्तों।